महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। राजभवन के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। कोश्यारी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिलायंस के अस्पताल में भगत सिंह कोश्यारी को भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी तरफ से ये जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के तौर पर दे दी गई थी कि वो अवेलेबल हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और अब ये खबर कि अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी, सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, क्या अपडेट मिल रहा है? अस्पताल से कब तक डिस्चार्ज हो सकते हैं? कब तक अपना कामकाज पूरी तरीके से संभाल सकते हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी? जी बिल्कुल, दो दिन पहले ही महाराष्ट्र के गवर्नर अस्पताल में भर्ती हुए थे। सुबह का समय था जब वो अपने पूरे काफिले के साथ अस्पताल की तरफ बढ़े थे। कुछ दिनों से वो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से वो राजभवन में ही थे और दो दिन पहले वो अस्पताल जाकर भर्ती हुए थे। जो राजभवन के सूत्रों ने बताया कि आज शाम तक भगत सिंह कोश्यारी डिस्चार्ज हो सकते हैं, जिसके बाद डॉक्टरों के इंस्ट्रक्शन के बाद अपनी रेस्ट लेनी है, क्या करना है उसे फॉलो करते करते वो अपने कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज शाम तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो डॉक्टर्स उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो कब से अपने रेगुलर काम को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, शाम तक डिस्चार्ज हो सकते हैं अस्पताल से, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट क्या वो नेगेटिव आ गई है या अभी भी कोरोना पॉजिटिव है राज्यपाल? देखिए, जो राजभवन के सूत्र है वो बता रहे हैं कि अब फिलहाल कोश्यारी जी की तबीयत ठीक है, वो पहले से बहुत ही बेहतर है और इसी वजह से अस्पताल इस पर विचार कर रहा है कि उन्हें आज डिस्चार्ज किया जाए। तो जो सूत्र बताते हैं कि डॉक्टरों के सलाह मशवरा के बाद ये चीज तय की गई है कि आज शाम तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सिटी जानी ना। कोरिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी, वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। Yeah.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।